उमा गौरव भारतीय सिनेमा के एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता है। उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी सुपरहिट रही और लंबे समय तक देश के विभिन्न हिस्सों में सिनेमाघर में दिखाई दी है। वह तेरी कसम, जन्म नाम, कांटे और रिजर्वायर डॉग्स जैसी अपनी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। उमा गौरव का जन्म 11 जुलाई 1960 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता राजेंद्र कुमार भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्म स्टार थे। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। भारत में राजेंद्र कुमार ने फिल्म उद्योग में काम करने का फैसला किया और 5 वर्षों तक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हरमन सिंह रावल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अभियान के क्षेत्र में कदम रखा और भारतीय सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी। कुमार का उपनाम बंटी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला के विशाखा कॉटन स्कूल से की है। उनकी शिक्षा के बाद उन्हें उनके पिता राजेंद्र कुमार ने फिल्म लव स्टोरी से फिल्म उद्योग में लॉन्च किया। करियर के शुरुआती दिनों में उनकी कुछ फिल्में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1986 में उनकी फिल्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। इसके बाद कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें 1990 के दशक के दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों को एक के बाद एक लगातार असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में 2002 में कांटे और 2004 में गुयाना और 1838 जैसी फिल्मों में उन्हें सिनेमा जगत में एक अनोखा स्थान स्थापित करने में मदद की। कुमार 5.8 ऊंचाई और 143 पाउंड वजन के साथ एक चॉकलेट बॉय की तरह दिखते हैं। 40 छाती, 13 बाइसेप और 30 कमर के साथ उनका पतला शरीर दर्शकता के ही एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति है। गौरव का असली नाम मनोज तुली है। वह एक पंजाबी खत्री परिवार से। उनकी दादा का कराची सिंध में कपड़ा व्यवसाय थे और परदादा एक सफल सेना व्यक्ति थे। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान की सारी जमीन जायदाद छोड़कर भारत आ गया। मुंबई आने के बाद कुमार के पिता राजेंद्र कुमार तुली ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत अजमाई और 5 साल तक प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक हरनाम सिंह रावल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 1955 में प्रसिद्ध निर्माता देवेंद्र गोयल ने उन्हें अपनी फिल्म बच्चन में ब्रेक दिया, जो सफल रही और वैश्विक फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। फिर उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में एक अभिनेता के रूप में अपना करियर जारी रखा। 1979 में राजेंद्र कुमार को पद्मश्री मिला। गौरव की मां शुक्ला मशहूर डायरेक्टर ओपी लल्लन की बहन थी। कुमार गौरव की 2 बहनें डिंपल और काजल हैं। फिल्म लव स्टोरी के निर्माण के दौरान कुमार मशहूर अभिनेत्री विजेता पंडित के करीब आ गए, लेकिन दोनों सितारों को परिवार के बीच असहमति और तनाव के कारण उनका रिश्ता खत्म हो गया। 1981 में कुमार के पिता राजेंद्र कुमार ने उन्हें फिल्म लव स्टोरी में लॉन्च किया, जो ब्लॉकमास्टर साबित हुई। 1982 में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के साथ उनकी अगली फिल्म तेरी कसम भी सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म स्टार में राती अग्निहोत्री या माया के साथ देव कुमार रैना के रूप में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन इसका संगीत लोकप्रिय हो गया। 1993 में उनके पिता ने फिल्म फूल का निर्माण करके उनके करियर को बहाल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कुमार के साथ उस समय के शिक्षा नायिका माधुरी दीक्षित को लेने का फैसला किया। इसमें गौरव के साथ सहायक भूमिका में राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने काम किया था। दुर्भाग्य से यह फिल्म भी उन्हें भारतीय उद्योग में सफलता दिलाने में मदद ना कर सकी। फिर उन्होंने अभियान के क्षेत्र से ब्रेक लिया और बाद में 1996 से 1999 तक कुछ फिल्में साइन की। इस दौरान वह 1999 में सिकंदर और चॉकलेट जैसी कुछ टीवी श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। 2000 में वह डायरेक्टर मजरा खान की फिल्म गैंग में नजर आए। फिर 2002 में मनोज ने संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म कांटे में अभिनय किया। यह हॉलीवुड फिल्म रिजर्वायर डॉग्स की रीमेक थी। इस फिल्म में आसमान की बुलंदियों को छू लिया और 2002 में तीसरी बार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2004 में उन्हें अपनी पहली अमेरिकी फिल्म गुयाना 1838 में काम किया, जो उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसे 625 समकालीन उच्च स्क्रीन औसत चार्ट में भी गिना जाता है। 2006 में मनोज को मुक्त फिल्म माई डैडी स्ट्रॉन्गर में भी अभिनय किया था।